हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर बिल्डहाउस इंजीनियरिंग में। आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्यूरिंग आपको कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। आज हम क्यूरिंग के बारे में डिटेल में समझेंगे और ज्यादा ना समय गवाते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइड में जो बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिए, इससे हमारे लेटेस्ट वीडियो जो आते रहेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फ्रेंड, सीधे चलते हैं अपने वीडियो पे और अपने टॉपिक पे। फ्रेंड्स, क्यूरिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है और एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारा स्लैब कास्टिंग या फिर किसी भी चीज की हम कंक्रीट की कास्टिंग करते हैं तो उसके बाद जो सरफेस होता है हमारा वो वेट हो जाता है, तो उसको हमें टाइम टू टाइम, जैसे हम अगर कंक्रीट को प्लेस कर देते हैं तो टाइम टू टाइम उसके कुछ समय बाद हमें उस पर क्यूरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे जो टेम्परेचर है और जो उसका सेटिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। इस कारण क्यूरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और मॉइस्चर वगैरह इससे बना रहता है। तो किस तरीके से होगी, कैसे होगी, क्या, ये सभी हम देखते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले इसके मेन पॉइंट जो है हमारा पर्पस, कि पर्पस क्या होता है ये देखेंगे हम। उसके बाद देखेंगे पीरियड, कितने दिन तक आपको क्यूरिंग करना चाहिए। उसके बाद आपका रहेगा इफेक्ट्स, की क्या इफेक्ट होते हैं इसके। और लास्ट हमारा मेथड, कि कौन कौन सी मेथड से आप क्यूरिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इन्हीं टॉपिक के बारे में देखेंगे और वीडियो में आप बने रहिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले पर्पस। जो पर्पस होता है क्यूरिंग का वो होता है कि जो कॉन्क्रीट का सरफेस है उसको सरफेस को गीला रखना और टाइम टू टाइम उस पर हमें एक क्यूरिंग करते रहना रहता है। दूसरा रहता हमारा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है विथ एज, एज के साथ धीरे धीरे बढ़ते जाती है। क्यूरिंग जो है वो हमें करने से जो सडनली आपकी स्ट्रेंथ रहती है वो रैपिडली स्टेज में धीरे धीरे एक स्लोली बढ़ती है और उसके टाइम टू टाइम आपको, क्योंकि इसका जो पीरियड है ज्यादा दिन का नहीं होता। अब प्रॉपर क्यूरिंग करने से ड्यूरेबिलिटी, इम्परेबिलिटी ऑफ कंक्रीट ये इंक्रीज होती है और श्रिंकेज, जो क्रैक्स आते हैं वो रिड्यूस होते हैं। अगर रेसिस्टेंट ऑफ कंक्रीट की बात करें तो इस पे ये इंक्रीज होता है, ये भी प्रॉपर आपको टाइम टू टाइम करना रहेगा। अगर इसके पीरियड की बात करें फ्रेंड्स, तो आपको जो भी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हम यूज करते हैं उसके लिए आपको 7 to 14 days आप क्यूरिंग कर सकते हैं। मिनिमम आप 7 days कर सकते हैं और आपको अगर और करना है, स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए, तो आप 14 days तक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग। अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करें या फिर क्विक सेटिंग जो अलग सीमेंट होती, तो इनके लिए कंसिडरेबल है ये कि रिड्यूस हो सकता है कि कितना करना है एज पर कंडीशन। अगर इफेक्ट्स की बात करें कि इम्प्रॉपर क्यूरिंग के क्या इफेक्ट होते हैं, तो कंप्रेसिव एंड फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ जो है इसकी वो नहीं मिलेगी आपको। क्रैक्स जनरेट हो सकते हैं फॉर्म तरीके से ड्यू टू प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स, जो ऊपर आपको स्लैब के सरफेस पे दिखाई देते हैं, ड्राइंग श्रिंकेज दिखाई देते हैं आपको, एंड थर्मल इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये डिक्रीज होती है ड्यू टू हाई परमेबिलिटी। फ्रॉस्ट की बात करें तो ये वेदरिंग रेसिस्टेंस के कारण डिक्रीज रहता है। और अगर इसके कार्बोनेशन की बात करें तो ये इंक्रीज होता है टाइम टू टाइम। मेथड्स ऑफ क्यूरिंग की बात करें कि हमें कौन कौन सी मेथड्स क्यूरिंग करना चाहिए फ्रेंड्स, तो पॉन्डिंग विथ वाटर, पॉन्डिंग यानी आपको कुछ तालाब के तरीके से बना देना है, वहां पे छोटी छोटी क्यारियों के लिए, और वहां पर आपको पानी डाल देना है। अगर इसकी कवर की बात करें तो जो कंक्रीट कवर है आपको गीला रखना है, बैग्स वगैरह या फिर आप कुछ वहां पर डाल सकते हैं ऐसी चीज जिससे जो उसका सरफेस है वो गीला रहे।
कवरिंग कंक्रीट विथ वाटर प्रूफ पेपर ऑफ पॉलिथीन शीट्स एंड होल्डिंग इन पोजीशन। ये आप समझ ही गए होंगे कि जब सनलाइट ऊपर से पड़ता है, सूर्य का अगर रोशनी बहुत तेज गिरता है स्लैब पे, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से बहुत सारा ऐसा पानी रहता है जो कि एवोपरेट हो जाता है और वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। तो इसके कारण अगर हम ऊपर कोई पॉलिथीन ऐसी डाल देते हैं तो भी उससे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है और ये बहुत जगह यूज होता है। इसके बाद आप स्प्रिंकलर मेथड से भी कंटिन्यू पानी बिल्कुल कंटिन्यू डाल सकते हैं या फिर लगा सकते हैं कि जिससे स्प्रिंग होता रहे और प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग होती रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो, और किसी टॉपिक अगर आपको लगता है कि उस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो प्लीज सजेस्ट करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।